हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये ज़िगज़ैग क्रोचेट पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत इजी, वन रो रिपीट का पैटर्न है। और इससे आप जैकेट बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो ज़िगज़ैग पैटर्न है, इसके लिए जो हम चैंस बनाएंगे, तो आपको जितना भी लंबा बनाना है, चैंस होंगी 14 के मल्टीपल प्लस 2। ठीक है, 14 के मल्टीपल बना लीजिए। आपको जितना लंबा भी पैटर्न बनाना है और उसमें 2 प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 42 चैंस। ठीक है, बना लेती 42 प्लस 44 चैंस बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने 44 चैंस बनाई हैं टोटल। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टिच छोड़ेंगे चैंस, फर्स्ट और सेकंड चैन छोड़ेंगे, और जो थर्ड वाला है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चैन 2 है, ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए, इसमें हमने चैन 2 छोड़ा और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए, 3 स्टिच हैं, इसमें 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। तो ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। ये चैन 2 इसने छोड़ा और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 1, 2, 3 स्टिच बना लिए हैं। अब हमें 3 स्टिच टुगेदर बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए, 2 स्टिच को एक किया, वो सॉरी हाथ हाफ बनाया, फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में क्रोशिए को डाला। यहाँ पर देखिए, हमारे पास 4 स्टिच हो गए, सिर्फ 2 में से निकालेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। फिर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 स्टिच हो गए, 2 में से निकालेंगे, फिर इन चारों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए, जो नेक्स्ट 3 स्टिच हैं, उनको भी हमें इसी तरीके एक साथ बनाना है। देखिए, 2 में से निकालेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर देखिए 2 स्टिच में से निकाल देंगे, फिर देखिए थर्ड वाले स्टिच में डालेंगे। यहाँ से हमने धागा लिया, 5 स्टिच हो गए, 2 में से निकालेंगे, फिर इन चारों में से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, 3 स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट में 1, और इससे नेक्स्ट वाले में भी 1। 3 चैन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सब में एक एक बनाया है, मतलब हमने यहाँ पे 3 को एक साथ किया था, 3 को एक साथ यहाँ 2 बार, उसके बाद 3 चैन में 1-1 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए, ये करना है, ये जो फोर्थ वाला है, इसमें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1, 2, 3। फिर जो नेक्स्ट वाला है, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1, 2, 3। अब फिर यहाँ से 3 जो चैन हैं, इनमें 1-1 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3। अब देखिए, फिर से क्या करना है हमें, जैसे हमने 3 डबल क्रोशिया को एक साथ किया था 2 बार, वैसे ही फिर से करना है।
तो एक तो हाई पे जाएगा, एक थोड़ा लो पे आएगा। तो जहाँ पे हमारा लो पे जा रहा है वहाँ पे हमने थ्री डबल क्रोशे को दो बार एक साथ की एक किया है, और जहाँ पे हाई जा रहा है वहाँ पे हमारा थ्री एक स्टिच में थ्री डबल क्रोशे बनाए हैं। अब देखिए वापस से, वन टू थ्री, थ्री स्टिच को हमने एक किया। फिर जो नेक्स्ट थ्री स्टिच है उनको भी एक कर देंगे, वन टू थ्री। फिर देखिए नेक्स्ट थ्री स्टिच में, थ्री चैन में वन वन एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, वन, नेक्स्ट में भी वन, नेक्स्ट में भी वन बनाएंगे। आप जो नेक्स्ट दो डबल क्रोशे हैं उनमें थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट में थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री। अब जो इसके बाद वाला है इसमें भी थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। अब देखिए इसी तरीके से फिर थ्री स्टिच में चैन थ्री में वन वन डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर देखिए ये इस तरीके से बनाएंगे, फिर इसी तरीके से हमें बार बार रिपीट करना है। तो इसको मैं लास्ट में बना के आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लास्ट में आ गए, यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे एक साथ के, सेम आपका भी ऐसा ही आएगा जितने भी आप स्टिच लें। अब यहाँ लास्ट में हमारे पास फोर स्टिच बचे, फोर चैन बची हुई हैं, जो थ्री हैं उनमें वन वन डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। अब देखिए जो फोर्थ वाली है इसमें हम थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे, वन टू थ्री। ठीक है, अब सेकेंड रो बनाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और इस तरफ पलट जाएंगे। तो ये जो चैन थ्री है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी स्पेस में टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे, वन टू। अब देखिए यहाँ से थ्री जो स्टिच हैं, अब ये जो रो कर रहे हैं यही बार बार करेंगे। जो थ्री स्टिच हैं इनमें वन वन डबल क्रोशिया बनाना है, वन टू थ्री। अब जो नेक्स्ट थ्री स्टिच है उनको एक करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखिए वन टू और ये थ्री, इनको एक कर देंगे। फिर से जो नेक्स्ट थ्री स्टिच हैं इनको भी एक कर देंगे, वन टू थ्री, ये हमने इनको भी एक कर दिया। अब देखिए जो नेक्स्ट थ्री स्टिच हैं इनमें वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। अब देखिए ये फोर्थ और जो फिफ्थ है इसमें टू थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। नेक्स्ट वाले में भी थ्री बनाएंगे, फोर्थ में और फिफ्थ वाला है ये, वन टू थ्री। बिल्कुल जो फर्स्ट रो है वैसा ही रिपीट है, बस मैंने आपको थोड़ा बता दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और फिर देखिए जो नेक्स्ट थ्री हैं उनमें वन वन डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। अब जो नेक्स्ट थ्री हैं उनको एक कर देंगे, वन
टू थ्री, इनको एक कर दिया। अब जो नेक्स्ट थ्री हैं उनको एक कर देंगे, वन टू थ्री, फिर देखिए नेक्स्ट थ्री में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। अब ये फोर्थ में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और जो फिफ्थ वाला है इसमें भी थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। ठीक है, तो इसी रो को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास फोर स्टिच बचे हैं। अब ये जो चैन थ्री हमने बनाई थी, सॉरी ये तो चैन टू है, सेकंड रो है, चैन टू है, ये भी हमारा एक स्टिच था जो हमने छोड़ा था चैन टू। ठीक है, तो आप इसको भूलिएगा मत। अब ये वन टू थ्री और ये जो चैन टू है, तो ये थ्री है, इनमें वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। ऐसे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, लेकिन ये देखिए ये चैन टू है हमारी, इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो ये जो फर्स्ट, अभी तो ये तो चैन टू थी, अब हम नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट की चैन थ्री से स्टार्ट की है, तो चैन थ्री को मार्क कर लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए हर बार स्टार्टिंग में। ये वन टू थ्री, तो ये देखिए फिर वापस से वही सेम हमें ये जो सेकंड रो है वही रिपीट करनी है। अगर आपने स्टिच कहीं गलत सलत नहीं बनाया, कहीं कम ज़्यादा नहीं करें, बिल्कुल पैटर्न से ही बनाया है, तो आपका अच्छा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेकंड रो ही आपको रिपीट करनी है। अगर आपने कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है कि स्टिच कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपने कहीं पीछे वाली रो में गलती की है, आप स्टिच को देख लीजिएगा। और देखिए सेम इसी तरीके से अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आगे ज़्यादा रो बनाने लगेंगे तो ये देखिए जो इसकी साइडें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आने लगेंगी, ये इस तरीके से स्ट्रेट आने लगेंगी और ये बन के बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसमें अपनी जो लेफ़्ट ओवर यार्न होती है, एक मैन कलर ले लीजिए, एक लेफ़्ट ओवर यार्न के जो अलग अलग कलर यूज़ करके बहुत सुंदर से। और ये देखिए ये जो हमारे कोने हैं इन पर आप पम्पम लगा सकते हैं, टैसल लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर पैटर्न है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।